नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त गेमर्स का और मैं आप सबका स्वागत करता हूं ब्लू मॉन्स्टर में। और पिछले एपिसोड में हम यहां पर आ चुके थे, हमने योगन को हरा दिया था, स्टार्टर पकवान था हमारे ये फायर चिक, और फिर हमने पहला पकवान पकड़ लिया था कोबरा। तो चलो अभी कंटिन्यू करेंगे और हम जाएंगे उस लोगन को, ये योगन को ढूंढने के लिए। और सबसे पहले जरा ये इंसाइक्लोपीडिया पोकेडेक्स चेक करने दो, कौन से ड्यूरिस का मुझे देखना एवोल्यूशन है कि नहीं, मेन तो वो है, बाकी लोग का तो जाने दो। ड्यूक नाम है इस ड्यूरिस का, नहीं उसको स्टेज नहीं है नेक्स्ट। हाँ ये देखो वॉरियर, सोल्जर, वॉरियर और फिर लास्ट में ड्यूक। ओके ठीक है, ठीक है रिवॉर्ड भी है कुछ तो, ठीक है चलो। यहाँ पे आपको बैटल करना है तो आप बैटल कर सकते हो, बैटल स्किप करना है बैटल स्किप कर सकते हो, मैं तो सारे बैटल करके जाऊंगा क्योंकि मुझे कोबरा को लेवल अप करना है साइड बाय साइड। फायर चिक तो इनफ लेवल अप हो चुका है वैसे देखा जाए तो, और भी होगा वो क्योंकि बैटल्स तो होंगे अभी। ठीक है, ये गेम का एक अच्छा है, कौन सा भी पोकेमॉन पहले रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चूज करने का मौका मिलेगा कौन पहले जाएगा कौन नहीं जाएगा। आई जस्ट सॉ चेमेलियन इन दिस फॉरेस्ट बट एस्केप्स वेरी फास्ट। ओके ओके, दो जगह अभी जाने के लिए, मैं पहले नीचे ही जाऊंगा ऑफकोर्स। बिटर पिलर ग्राउंड टाइप है, ओके बर्निंग डैश इफेक्टिव नहीं, ओ दिया डैमेज दिया मगर, एयर ब्लेड फ्लाइंग टाइप मूव। मुझे अभी लेवल अप होना जरूरी है क्योंकि मुझे एचपी मेरी वापस चाहिए। ओके देयर वी गो, चेमेलियन रेयर बोला ना उसने, देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं, और मिलेगा ही, ये मुझे मालूम है पोकेमॉन इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। और लेजेंडरी मॉन्स्टर से इतने एपिक है ना इस गेम में, कसम से बोलता हूँ आपको मैं, कसम से। विथ स्किल तो साइकिक के अगेंस्ट साइकिक को भेजता हूँ मैं, ठीक है क्रिटिकल अच्छा बात, अच्छा और डिफेंड डिसएडवांटेज, साइकिक के अगेंस्ट साइकिक अटैक कौन यूज करता है, 8 ही डैमेज दिया, मैं तो और कम दूंगा क्योंकि मैं एक लेवल पीछे हूँ उससे, इससे अच्छा अपना डैश है, डिफेंस कम कर रहा है, ठीक है अटैक कम नहीं किया अच्छी बात है, एक डैश में जाएगा। यस क्रिटिकल फिर से, कोबरा को भी अच्छी एक्सपी मिलेगी अभी, वो भी लेवल अप। ओ एक्स्ट्रा पॉइंट किसके लिए चाहिए, तेरा अटैक पावर बढ़ाते हम लोग, स्प्रिट सर्ज एक और अच्छा अटैक, साइकिक अटैक सिखाइए। पोशंस मिले और मुझे, बाकी तो कुछ नहीं है। ओ ये क्या बीटल, जानबूझ के कोबरा को ही भेजूंगा, उसको एक्सपी की ज्यादा जरूरत है क्योंकि। ओ नाइस स्प्रिट सर्च अच्छा अटैक है, अरे ओके ये गीगा ड्रेन जैसा है, ठीक है फ्राइटन अटैक पावर कम किया मेरा, इन स्पिरिट सर्च एक और बार, गले गले ओके डैश देता हूँ मैं एक, अरे यार डैश भी इनफ नहीं था भाई साहब, लेवल भी कम है मगर ठीक है यार, ठीक है चलो गया एटलीस्ट। नेक्स्ट ऑर्डर इसमें तो लेवल अप हो जाएगा, एचपी रिस्टोर हो जाती है। ठीक है ये क्या बैटल, ट्रेनर्स फाइट टुगेदर व्हेन दे मीट ईच अदर, ओके मतलब में ट्रेनर्स बैटल भी होंगे। ओ 6v2 नाइस, जाओ फायर चिक, ये कंप्लीट मैच में एक्सपी ले लो,
ओह स्विफ्टनेस क्या इंक्रीज कर रहे हो, स्पीड ओके वाह स्पीड बढ़ाने के बाद भी स्पीड ही इंक्रीज कर रहे हो और फिर से सेम पकवान फांस सेम भेज रहा है ये कोबरा देखो जरा स्पिरिट सर्च रिस्टोर कर लो एचपी पे ओके ये बहुत टाइम पास होने वाला है चुपचाप डैश के साथ जा रहा हूँ वो साइकिल अटैक में भी साइकिल अटैक भाई साहब पहले बताना चाहिए ना इतना डैमेज देगा और इतना कम डैमेज खाएगा ओके अच्छा डैमेज दे रहा है क्रिटिकल नाइस नाइस ये क्रिटिकल है ज़्यादा मिलेगी एक्सपी 5 मिनट ठीक है नाइस एक और क्रिटिकल अच्छा एक्सपी मिला टू बी ऑनेस्ट ये देखो 1588 पैक नाइस 125 पावर है तेरह सौ अड़सठ स्पार्क्स फायर टाइप मूव नाइस बैकअप के लिए अच्छा है ये मूव ग्यारह लेवल तक गया ये बैटल से भाई साहब ओके क्वेस्ट कंप्लीट हो गया लगता है ओके चलो आगे फिर से ये लोग ये योगन है ना चलो बात कर लेते हैं अभी देयर यू आर योगन वेट डोंट रन ऑफ व्हाट डू यू वांट प्लीज डोंट बी एंग्री वी डिडंट मीन टू हर्ट यू Come to power salt in the wound. Gone. I guess I deserve it. Hey, don't be like that. Please, Kai, let me talk to him. Master, I will always love you and would do anything for you. But it hurts me, my feelings, every time you compare me with Duris. I might not be as smart as Duris, and I know how much you want to win the championship, but I have always done my best. Ruby, I'm sorry. Let's go home. I'm sorry, Master, but I have decided to leave you. I want to visit my birthplace, Apophis Mountain. I guess I deserve it for being such a jerk. Sky, thanks. If we hadn't battled, I should have never noticed how bad of a Bulu trainer I was. Let's battle again next time in a proper arena. Maybe we will see each other in the championship. I will after I save Rania. Thanks. We will see each other again soon. Yeah, we will meet again at the World Championship. Goodbye, Sky. Goodbye, Ruby. Yogan walks away looking sad. Are you okay? Yes, I will be fine. Why don't you come with us? We can travel together to Apophis Mountain. Really? We should do that? Thank you, Sky. I'm so happy. Ruby joins the party. Nice. Naya Pokemon mil gaya pokadne. ओके नया एरिया नो थैंक्स कॉन्ग्रेचुलेशन अपोफिस माउंटेन इज अनलॉक्ड ओके
चलो फिर पहले एरिया तो एक्सप्लोर कर लेता हूँ ना मैं। ओहो और पोकी बॉल्स मिले। यो वाटर टाइप, क्या नाम है इसका, फ्रॉगी। मैंने जब मैं पहली बार खेला था तब मैंने पोकेमॉन पकड़ा था क्योंकि मेरा स्टार्टर और फायर टाइप था। मैंने सोचा मैं पकड़ लेता हूँ, एक अच्छा हो जाएगा एडिशन मेरे टीम के लिए। मैं उसका फाइनल स्टेज ना फायर टाइप हो जाता है। ये देखो क्या डैमेज देता है, देखो ना। मैं खुद को भी पसंद आया था जब मैंने पहली बार उसको पकड़ा था, और सब साला मूड ऑफ हो गया, वो फायर टाइप में इवॉल्व हो गया। अगर जाए तो मैं कुछ और पकड़ूंगा। नहीं हो गया, ठीक है। इन्हें तक सिर्फ ये मैप एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये देखो ये है लोकेशन, वो जिसने बोला था पोकेमॉन उसका जो कोई भी है। चलो पहले देख लेते हैं वो कौन है, मुझे पकड़ना भी है क्योंकि हर एक मैप में ऐसा एक पोकेमॉन रहेगा। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, ऐसा ऑरेंज गेंगार आएगा आपको खाने के लिए। ये देखो चार्मिलॉन, चार ही लेवल का है। मैंने जानबूझ के कोबरा को भेजा है, ठीक है। इनफ डैमेज, इनफ डैमेज। सिंकहोल सब डाउन। ये देखो 15 बॉल से 9% सक्सेस रेट है। सादा पोकी बॉल यूज किया तो 3% सक्सेस। ओके बाहर आ गया। मैं अटैक पावर मेरे कम होने देता हूँ, फिर मैं पकड़ूंगा उसको। तब तक मैं उसके साथ अभी इस बॉल से खेलता हूँ। ओके ये रूबी कितने लेवल पे है, 9 लेवल पर है। मूव्स क्या है, बबल स्किल, सैंड स्ट्राइक, ओके, ट्रांस स्किल, ब्लिजर्ड, नहीं कुछ काम करनी है इसके लिए। एक बार मैं फिर से टैकल यूज करूँ क्या, स्पार्क्स यूज कर रहा हूँ। चलो हाँ यस, मेरा अटैक पावर इनफ डाउन है। ओके अभी पकड़ता हूँ मैं, 15% सक्सेस। अरे यार कम ऑन बॉय, ओह माय गुडनेस। ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, एक आखिरी बॉल यूज करता हूँ। चलो एक डैश यूज करो फिर ख़त्म कर दो, मुझे एक्सपी मिलेगी। और ऐसा कुछ नहीं है, एक बार मर गया तो आप वापस आके इसको पकड़ नहीं सकते, आप आ सकते हो वापस। मैप रिस्टार्ट करो, वापस आ जाओ, पकड़ लो उसको। अभी दूसरे मैप में जाऊँगा ना, फिर से ये मैप में आऊँगा तो इधर वो दिखेगा मेरे को गोल गोल घूमता हुआ। बबल्स ओके चलो एक बैटल कर लेते हैं लास्ट। ओह पेक भी अभी इफेक्ट हो रहेगा ना, रखो को, ठीक है। वाटर टाइप मिल गया तो फ्रॉग ही पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। मेरे पक्सिस माउंटेन में आई थिंक रूबी को नहीं छोड़ दिया हम लोग, जैसे कि मेरा मानना है। मुझे एजिलिटी की ज़रूरत है, फिर रीसेट अटैक पावर इंक्रीज करवाता हूँ। बाकी एचपी क्या मैं पोशन से भी रिकवर कर सकता हूँ, वो कुछ टेंशन नहीं मुझे। द जिम ओनली अलाउज स्ट्रॉन्ग ट्रेनर टू एंटर, आई मस्ट प्रैक्टिस हार्डर। ओके लेट्स सी, 3v3 चलेगा। ओ नाइस पोकेमॉन। चलो रूबी तुम्हारा टाइम है आज शाइन करने का, तेरा अटैक दिखाओ। बबल्स फ्रीज, वाटर पोकेमॉन को फ्रीज कर रहे हो तो अटैक पावर कम होती है इसीलिए। तो इसको बबल्स नाम क्यों दिया है, अरे क्या यार ऑटो वाला, अभी तक इतना देर चुप था। 5 मिनट रुकना, 5 मिनट में सब खत्म होने वाली मेरी रिकॉर्डिंग। अरे बाप रे का डैमेज नहीं दे रहा हूँ मैं। सैंड स्ट्राइक एक बार यूज करके देखता हूँ मैं तो, मैं चेंज करता हूँ पोकेमॉन। क्या ओपीपी, हाँ ओके आई शपथ, ठीक है अभी जाएगा। 2 बार उसका ऐसा एचपी जाएगा, मतलब ये अटैक भारी है सैंड स्ट्राइक का। भाई वैसे भी बहुत कुछ भूल गया हूँ, दबाना हो गया ये मेरे को।
भाई खेलने में तो मज़ा आ रहा है फिर भी। हाँ ये रोबोट और मैंने आपको बोला ना मेगाटल, ये ऐसे पोकेमोन है ना, ये रॉक टाइप, ये आपको डेजर्ट एरिया में बहुत आएंगे। उसके लिए आपको बोन थ्रेड अटैक, उसके लिए आपको फ्लाइंग टाइप मूव होना ज़रूरी है, एडवांटेज अटैक गया और स्पीड भी बढ़ता है बार बार, इसलिए मैं स्पीड पे अभी यूज़ नहीं किया। ओहो हो थंडर पी, मैं स्पीड ही बढ़ाता हूँ ना मेरी, 18 डैमेज ठीक है। शॉक गया, क्रिटिकल, थैंक यू फॉर द बैटल्स, अच्छा एक्सपी मिला रे सबको, ग्रेट। रूबी को भी अच्छे एक्सपी मिला, 10-11 पर तो जाएगी शायद से। ओ तुम्हारा अटैक बढ़ाना जरूरी है मुझे, बोला ना मैं 11 तक जाएगी वो। ओके ये कहाँ पे लेके जा रहा है मुझे, ओके ये क्या है टॉक, दिस इज द रूल बोर्ड, मेक श्योर यू रीड इट बिफोर यू एंजॉय द गेम। ओके ये मे बी जिम वेम जैसा है कुछ, तो देखो एक बार टॉक करके, यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू पास थ्रू हियर, ट्रेन योर सेल्फ टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड कम बैक हियर लेटर, मुझे जा नहीं सकता मैं, यू नीड ऑल कॉमन टाइप ऑफ मॉन्स्टर इन योर टीम टू ट्रैवल हियर। ओके ठीक है तो एक बार मैं ये देख लेता हूँ अपना पोकेडेक्स, इसको है क्या नेक्स्ट स्टेज वगैरह बेटर पिलर को, हाँ ये ना बेटर कून ईशी, दो ही स्टेज वाला है फिर। ये देखो रोबोटॉल मेगाटॉल, देखो कैसे मस्त दिखता है, रायडॉन जैसा, रायहॉन जैसा, ये भी भारी है ना चीक्स, लास्ट स्टेज देखना है क्या इसका। ये सब पोकेमोन पकड़ने वाले, चैमे चार्मीलॉन का अच्छा नहीं है स्टेज, चार्मेजी इतना अच्छा नहीं है ये, मगर ठीक है। ये देखो फ्रॉग, फ्रॉगी का नेक्स्ट स्टेज इधर नहीं है, नीचे किधर तो भी। और कौन से पोकेमोन देखे भाई हमने, रोबोको, ये देखो थंडर पी, थंडर पॉड एंड थंडर गॉड, कहते हैं ओपी अटैक्स। रूबी का असली नाम क्या है, पर्ल ड्रॉप है क्या सेकेंड स्टेज, नहीं सेकेंड स्टेज नहीं है, या फिर होगा भी मालूम नहीं। मैं पहले जब खेला था ना तब ऐसे लेजेंडरीज भी नहीं इतने पकड़ देना, मुझे कंटाला ही आया था बाद में। रिवॉर्ड देख लेते गेट, चलो फिर मैप में अप अप सिप्स, रूमर सेड दैट अ ड्रैगन मॉन्स्टर इज लिविंग एट द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, आई एम टू स्केयर टू गो टू देयर, आपको पता है। और उस ड्रैगन मॉन्स्टर का पहला स्टेज हमें यहाँ पे पकड़ने को मिलेगा, अब मैं सारी बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने उस वक्त भी बहुत ट्राई किया था मगर मैं कभी पकड़ नहीं पाया था, इस बार साला मैं ट्राई करने वाला हूँ और इस बार हारने नहीं वाला। अभी पोकेमोन का नॉलेज भी है और मालूम भी है कैसे करना है पकड़ना है, उस वक्त कैसे नहीं पकड़ना है, मैं सारे मॉन्स्टर बॉल्स मेरे वेस्ट कर देता था ऐसे। उससे टॉप ऑफ द माउंटेन बोला ना पहले हमने, अच्छा यहाँ से जा ही नहीं सकते हम लोग ठीक है, ऊपर ही जाना पड़ेगा मुझे। यस ये तो पकड़ना है मुझे रोबोटल, स्पार्क्स 21 ठीक है। अरे भाई साहब इतना डैमेज देगा क्या, अरे यार मैंने तो मार ही डाला उसको, ठीक है बाद में आएगा तो पकड़ेंगे हाथ से। ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, पहले इधर ही जाके आता हूँ। आई ट्राई टू एंटर द जिम बट आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू चैलेंज देम। ओके तो यहाँ पर बैटल कर लेते हैं दोस्त, 3v4 ठीक है, 14 लेट्स गो, एडवांटेज एकदम इजी बैटल होगा ये फायर चेक के लिए। हो रोबोटल नाइस, कॉम हो
इसका मालूम नहीं सेकेंड स्टेज वगैरह मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा एक्सपी मिला है 15 ना। हाँ अटैक पावर ही बढ़ाना है। स्मैश सीखा है, डील डबल डैमेज टू अ शील्ड, ओके सीखना है मुझे। डैश निकाल देता हूँ मैं। ये भी वो ही है क्या पोर्टल? अच्छा ओके, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अरे फिर क्या लेजेंडरी निकाल दिया क्या फिर? ए भाई साहब ऐसे मत करो यार। ओके चलो रोबोट और काज पकड़ लेते हैं और यहीं पे आज का गेम खत्म करते हैं। रूबी जाओ तुम, जो कुछ भी करके चाहिए। सेंस स्ट्राइक मालूम है नॉट वेरी इफेक्टिव मगर यूज करो, उसको डैमेज पड़ेगा ना। यस यही चाहिए था मुझे। एक बार बबल अटैक यूज करता हूँ मैं उसके ऊपर। शाबाश ठीक है 33 आई थिंक इनफ है। एक बबल अटैक के साथ जाता ही हूँ मैं। ओके ये फाइनल डैमेज मिला उसको, कैच करो। यस ओके रोबोटल को पकड़ लिया मैंने। और अभी मैंने कौन सा पोकेमॉन देखा था? ये इसका है क्या सेकंड स्टेज? हाँ है ना ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हमारे जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और अगर मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।